हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरीश ममता का एक लौता लड़का था जो कि विदेश में रहा करता था। विदेश में इतने सालों से रहने की वजह से उसका रहन सहन सब कुछ विदेशी स्टाइल में हो चुका था। वहीं ममता की नौकरानी साक्षी बिल्कुल देसी थी, जिसके चलते हरीश और साक्षी की बहुत कम बनती थी। जब भी वो विदेश से घर आता तो उसके घर में महाभारत शुरू हो जाती। इन सब चीजों से ममता बड़ी दुखी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय ममता हाथों में आरती की थाल लिए पूरे घर में घूमते हुए आरती कर रही होती है, तभी दरवाजे की डोर बेल बजती है और साक्षी दरवाजा खोलती है और हरीश उसको देखकर उससे बोलता है, अब तुम आगे से हटोगी कि मैं अंदर जाऊं या पूरे दिन दरवाजे पे खड़ा रखोगी मुझे? दरवाजा से तो तब हटूंगी जब पहचानूंगी कि सामने खड़ा बंदा जान पहचान का है या अजनबी। ऐसे ही किसी ऐरे गैरे को तो घर में नहीं घुसने दूंगी ना। ऐरा गैरा, व्हाट इज ऐरा गैरा? और ये एक बंदा क्या होता है? एक तो तुम देसी लोगों का किसी भी चीज का कोई तौर तरीका नहीं होता है, ना तो तुम लोगों की कोई क्लास होती है और ना ही बोलने चालने का खाने पीने का कोई तरीका होता है। और आपके अंदर तो जैसे बहुत क्लास है। आपको पता है इस समय आप किसी विदेशी लांगुर के सिवा और कछु नहीं लग रहे हैं। अपने घर की नौकरानी की बात सुनकर हरीश थोड़ा सा चिढ़ जाता है और उसे साइड करके अपने सामान समेत घर के अंदर आता है और अपनी माँ को आरती की थाली लेकर सीढ़ियों से उतरता देख वो भागकर अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर उनसे बोलता है, माँ आप कैसी हो? देखो इस बार मैंने आपको ज्यादा वेट नहीं करवाया और मैं आ गया। हे भगवान, बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू मेरे सामने खड़ा है। तू आने वाला है, बताया क्यों नहीं? मैं ड्राइवर को बोलकर गाड़ी भिजवा देती। माँ अगर मैं आपको बता देता तो आपके चेहरे की खुशी मैं कैसे देख पाता, इसलिए बिना बताए आ गया। इस बार तो जल्दी नहीं जाएगा ना, इस बार तो अपनी माँ के साथ कुछ दिन रहेगा ही ना बेटा। हाँ माँ, इस बार आप जब तक नहीं कहेंगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इस बार आपकी सारी इच्छा पूरी करूँगा, बस आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, इस देसी नौकरानी को घर से बाहर निकाल दो। हरीश और ममता की सारी बातें कुछ दूरी पर खड़ी साक्षी सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो ममता से कहती है, माँ जी आप अपनी देसी नौकरानी को घर से मत निकालिए, बल्कि अपने इस विदेशी लड़के को वापस भेज दीजिए। आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ही ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से मुझे बाहर निकालने की बात करने की? नौकरानी हो नौकरानी बन के रहो, समझी तुम? चुप करो दोनों, एक तो मैं अपने विदेशी लड़के और देसी नौकरानी के बीच में फंस गई हूँ। जैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के सामने आते हो कि लड़ना शुरू हो जाते हो। साक्षी तुम जाकर रसोई में खाना तैयार करो और हरीश तू जा फ्रेश हो जा। ममता के कहने पर साक्षी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए हरीश अपने कमरे में चले जाता है। कुछ देर बाद हरीश नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से नीचे आता है और देखता है कि डाइनिंग टेबल पर दाल चावल छोले भटूरे अचार पराठे आदि बहुत सारी चीजें रखी है। तभी वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है अपनी इस देसी नौकरानी को घर से बाहर निकाल दो। देखो ना कैसा नाश्ता बनाया इसने, कितना ऑयली है, ऐसा खाना कौन खाता है? ये सब चीजें ना खाने वाली है क्या? बेटा खाना तो सब तेरी ही पसंद का है और मैंने साक्षी से कहा था तेरे लिए छोले भटूरे बनाने के लिए, तुझे तो बहुत पसंद है ना। माँ पहले था जब मैं इंडिया में रहता था, अब मुझे इन चीजों को खाने की आदत नहीं है। मुझे कुछ लाइट वेट खाना चाहिए जैसे कि कोई चाइनीज, लेकिन आपकी देसी नौकरानी को ये सब बनाना थोड़ी आता होगा, उसे तो बस देसी खाना बनाना आता है। हाँ नहीं आता मुझे विदेशी दिखावा करना, कुछ साल विदेश में का रहकर आ गए, इनके ऊपर से तो विदेश का भूत ही नहीं उतर रहा है। माँ जी आपका विदेशी लड़का विदेश जाकर बिल्कुल विदेशी हो गया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। माँ अगर आपको इस देसी नौकरानी के हाथों को खाना खाना है तो आप खाइए, मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगा। हरीश इतना बोलकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर लात मारता है और बाहर की तरफ चले जाता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ जितना हरीश अपनी देसी नौकरानी से परेशान था उतना ही उसकी नौकरानी अपनी मालकिन के विदेशी लड़के से परेशान थी। ऐसे ही एक दिन ममता अपने विदेशी बेटे को अपनी देसी नौकरानी के साथ मार्केट भेजती है, जहां साक्षी सब्जी वाले के पास खड़ी होकर एक एक सब्जियों को उठा उठा कर देखते हुए उनसे बोलती है, भैया ये सब्जी कैसे दे रहे हो आप और इन टिंडों का क्या दाम है? 50 रुपया पाव है बहन जी, आप बताइए आपको कितना चाहिए? हाय हाय भैया क्या लूट मचा रखी है आपने तो। यार तुम क्यों बहस कर रही हो और ये तुम कैसी सब्जियों के नाम ले रही हो?
लेना है ना, तो चुकुम्बर, टर्निप, स्पेनिश, कोलिंडर, ये सब वेजिटेबल्स होते हैं। हमारी बॉडी के लिए ये बिल्कुल अच्छे होते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है क्या? का बोले जा रहे हो? देखो अपनी ये अंग्रेजी और अपनी अंग्रेजी भाषा ना अपने विदेश में जाकर ही बोलिएगा, यहाँ नहीं चलेगी। ये सब्जी वाला कोई कलेक्टर का बेटा नहीं है जो ऐसे गिटपिट अंग्रेजी समझ जाएगा। ये माँ ने भी ना किस देसी नौकरानी के चक्कर में फंसा दिया है, अब तक तो ना जाने में कितना काम कर लेता। तुम्हें जो लेना है ना तुम जल्दी से लो। भैया आप ये सभी सब्जियों में से एक एक किलो पैक कर दो और दाम बता दो। जी मैडम जी, अभी लो। सब्जी वाला इतना कहकर सब्जियां पैक करके उससे पैसे मांगता है, जिस पर हरीश उसे अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाल कर दे देता है और बिना पैसे वापस लिए वहां से चल देता है। लेकिन साक्षी उससे बाकी के पैसे मांगने लगती है। ये सब देखकर हरीश को बेहद गुस्सा आता है और वो मार्केट में ही उसे छोड़कर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आज के बाद ना आपकी देसी नौकरानी के साथ ना बाहर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया इसने तो मेरा। और कुछ नहीं ना तो मैं तो कहता हूँ निकालो इस देसी नौकरानी को घर से बाहर। बेटा बस कर, जब से आया है उसी के पीछे पड़ा रहता है। जब तू नहीं रहता है तो वो ही मेरा ख्याल रखती है। वो देसी है, गवार है, जो भी है, मेरे लिए नौकरानी नहीं, मेरी बेटी समान है। तू उसे इतना सुनाता है लेकिन वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो इस घर को अपना समझती है। बेटा मैं उसे इस घर से नहीं निकालूंगी। ममता की बात सुनकर हरीश अपने कमरे में चले जाता है और अगले दिन विदेश से उसकी लिली नाम की एक फ्रेंड उससे मिलने आती है। हरीश और लिली एक दूसरे के करीब बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी साक्षी वहां आती है, जिसे देखकर लिली बोलती है, डार्लिंग तुम्हारे घर में ये बहन जी टाइप्स लड़की कौन है और ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? कुछ नहीं बेबी, ये इस घर की नौकरानी है, तुम इस पे ध्यान मत दो। हाँ मैं इस घर की नौकरानी हूँ, माफ करिएगा आप लोगों को परेशान किया, लेकिन अगर आप लोगों की ये बेशर्मी खत्म हो गई हो तो जो खाना है बता दीजिए, मैं बाहर से मंगवा देती हूँ। यू देसी नौकरानी, तुमने हमको बेशर्म कहा। हाँ क्योंकि आप इस तरह से माजी के बेटे से चिपक कर बैठी हैं, जैसे किसी ने फेविकोल से चिपका दिया हो। अगर माँ जी देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा पुराने ख्यालात की है। और आपको नहीं लगता कि आपके कपड़े कुछ ज्यादा छोटे हैं? How dare you? इस घर की नौकरानी हो तुम और तुम मेरे कपड़ों पर कमेंटमेंट कर रही हो, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। लिली इतना कहकर साक्षी के ऊपर हाथ उठाने लगती है, तभी वहाँ ममता आ जाती है और लिली का हाथ पकड़कर पीछे मोड़कर उसे धक्का दे देती है। उसे जमीन पर गिरे देखकर ममता उससे कहती है, ये विदेशी मुर्गी अपने हाथ अपने काबू में रख, ये मेरे घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरे घर की बेटी की तरह है। छोटे कपड़े पहनकर किसी के सामने बेशर्मी दिखाने को विदेशी पना बोलते हैं ना, तो हम देसी ही अच्छे हैं। और बेटा तू कुछ साल विदेश में रहकर पक्का विदेशी हो गया है, इसलिए तू अपनी इस विदेशी मुर्गी को लेकर अपने विदेश लौट जा और वहां जाकर सारे संस्कार भूल जा। ममता इतना कहकर अपने विदेशी लड़के को दोबारा से विदेश वापस रवाना कर देती है और अपनी देसी नौकरानी को, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानती थी, वो उसके साथ खुशी और शांति से रहना शुरू कर देती है। नीतू देवी ने अपने तीनों बेटों अभि, रवि और केशव की शादी बचपन में ही अपने पति के दोस्त रामा प्रसाद की 3 लड़कियों से करवा दी थी और उनके बड़े होने पर उनकी विदाई करवाने का फैसला लिया था। लेकिन गुजरते समय के साथ बच्चे बड़े हुए। नीतू देवी के पति बीमार होने की वजह से स्वर्ग सिधार गए और उसके तीनों बेटे अब जवान हो गए, जिनके सामने एक दिन नीतू देवी कहती है, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो, अच्छा कमाने भी लगे हो, तो क्यों ना मैं तुम तीनों की शादी कर दूं? माँ सब कुछ आपके हाथों में है, आपको जो सही लगता है वो करो, आप जिससे कहोगी हम उससे शादी कर लेंगे। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। अपने बेटों की बात सुनकर नीतू देवी के मन में ख्याल आता है और वो खुद से कहती है, शायद ये तीनों भूल गए हैं अपने बचपन में हुई शादी को। अच्छा है उन गरीब की लड़कियों को लाकर मैंने घर में बोझ थोड़ी बढ़ाना है, इसी अमीर घर की लड़कियों को लाऊंगी बहू बनाकर। सही है, दिन में फोन करके मना कर दूंगी। क्या हुआ माँ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, तुम तीनों जाओ अपने अपने काम पर, शाम को मिलते हैं, ठीक है बच्चों, आराम से जाना। नीतू के इतना कहने के बाद उसके तीनों बेटे काम के लिए निकल जाते हैं और वो दिन के समय
रामा प्रसाद के घर फोन करके उसकी पत्नी आशा देवी से बात करते हुए कहती है, आशा जी मैं ये कह रही थी कि मैंने अपने बेटों की शादी आपकी बेटियों से ना करवाने का फैसला लिया है, इसलिए कृपया कर आप अपनी बेटियों के लिए कोई दूसरे लड़के चुन लेना। ये क्या कह रही है नीतू जी, ऐसा मत कहिए, मेरे पति की तबीयत पहले ही बहुत खराब है, अगर उनको पता चल गया उनकी जवान बेटियों की शादी टूट गई है, हाय वो तो मर ही जाएंगे। आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उनको समझा दीजिएगा कि वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है, पर वैसे भी बचपन की शादी कोई शादी नहीं होती, और मेरे बेटे किसी और से प्यार करते हैं तो मैं उनकी खुशी से ही उनकी शादी करवाऊंगी। इतना बोलकर नीतू फोन रख देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर कुछ समय बाद नीतू अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करती है, लेकिन एक शाम उसके तीनों बेटे घर आते हैं तो उनके साथ तीन लड़कियां भी घूंघट में होती हैं, जिनको देखकर नीतू कहती है, अरे ये क्या, ये तीन कौन है, किसको उठा लाए हो तुम तीनों? माँ ये तीनों आपकी बहुएं हैं, और जो मेरे साथ खड़ी है वो मेरी बीवी मीनाक्षी है। मेरे साथ मेरी पत्नी नव्या। और मेरे साथ इस घर की बड़ी बहू राधिका। तुम तीनों माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। तीनों बहुएं नीतू के आगे झुककर उसका आशीर्वाद लेने जाती ही है कि नीतू अपने कदमों को पीछे करते हुए कहती है, दूर हो जाओ, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि किसी भी सड़क छाप लड़कियों को उठाकर मेरे घर की बहू बना लोगे? अरे मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़कियों के रिश्ते देखे हैं, और केशव तुम अभी तुमने ही तो कहा था ना कि माँ आप जिसे पसंद करेगी हम उससे शादी कर लेंगे। हाँ माँ, लेकिन जब हमें किसी लड़की से प्यार नहीं था, अगर आप उस वक्त किसी भी लड़की से हमारी शादी करवा देती तो हम शायद कुछ नहीं कहते, लेकिन अब हम तीनों को ही अपना अपना प्यार मिल गया था, इसलिए हमने उनके साथ शादी कर ली। सासू माँ अब आप कुछ भी कहो, हम हैं तो आपकी बहुएं ही, इसीलिए आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम तीनों को ही बहुत थकान है। हाँ सच में, वैसे भी मुझसे ये लहंगे वहंगे पहने नहीं जाते। अच्छा कहीं की महारानी हो क्या आई बड़ी? माँ ये तीनों बहुत बड़े घर की बेटी है, इसलिए इनको इन सब की आदत नहीं है। अच्छा तो पहले बताता ना, पागल मेरी बहुए कितनी परेशान हो गई। रुको बहुओ, मैं 5 मिनट में आरती की थाली लेकर तुम्हारा स्वागत करती हूँ, फिर तुम आराम करने चली जाना। नीतू जल्दी से आरती की थाल लेकर आती है और अपनी बहुओं की आरती उतार कर उनको घर में ले आती है। कुछ दिन गुजरते हैं। अपनी बहुओं के अमीर होने की बात सुनकर नीतू बहुत खुश होती है, और एक शाम उसको पड़ोसन के घर पार्टी में जाना होता है, जिसके लिए नीतू अपनी बड़ी बहू राधिका से कहती है, राधिका बहू जरा अपना कोई महंगा सा हार दियो, वो क्या है ना मुझे पड़ोसन के घर पार्टी में जाना है तो महंगा हार पहनकर जाऊंगी, थोड़ा रोक पड़ेगा। ठीक है माची, अभी मैं अपने गोल्ड का सेट आपको ला कर देती हूँ, ध्यान से वापस ले आना, ज्यादा महंगा नहीं है पर फिर भी। नहीं नहीं बहू, ले आऊंगी मैं ध्यान से। राधिका नीतू को एक सोने का हार ला कर दे देती है, जिसे पहनकर नीतू अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है और वहाँ उसके हार की सब तारीफ करते हैं। सबको ऐसे करते देखकर विमला भी नीतू के पास आती है और उसके हार को देखकर कहती है, अरे वाह नीतू, ये हार तो तुझ पर बहुत जच रहा है, लेकिन ये नकली क्यों पहना है? सुना है अमीर बहू आई है घर में, उसके बावजूद भी सास नकली हार पहनकर घूम रही है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, असली हार है एकदम, समझी? सीधे सीधे बोल, मेरे से जल रही है इसलिए तू ऐसा कर रही है? मैंने तो जो कहा सच कहा, सुनार की बेटी हूँ, असली और नकली सोने में फर्क जानती हूँ, चाहे जाकर दुकान पर पूछ ले। विमला की बात सुनकर नीतू पास की एक दुकान पर जाकर हार दिखाकर पता करती है कि वो असली भी है या नहीं, जिसके बाद वो घर आकर गुस्से में राधिका को बुला कर कहती है, तूने मुझे धोखा दिया, अरे ये हार तो नकली है, सोने का नहीं है। हाँ तो मैंने कब कहा था ये असली सोने का है, और याद करिए मैंने ये भी कहा था कि ज्यादा महंगा नहीं है, मैंने इसे पूरे 250 रुपए में खरीदा था। इतने में ही वहाँ नीतू की बाकी दो बहुएं भी आती हैं और बोलती हैं, माँ जी इससे पहले आप मुझे धोखेबाज कहें, मैं पहले ही बता दूं कि परसों आपने जो मुझसे वो पायल ली थी वो चांदी की नहीं बल्कि लोहे की थी। और माँ जी आपने जो 2 दिन पहले मुझसे साड़ी मांगकर पहनी थी वो किसी मॉल से नहीं बल्कि बाजार से लेकर आई थी मैं, अच्छी थी ना एकदम, महंगी लग रही थी,
सच बता दूं, कहीं आप मुझे भी धोखेबाज ना कहो। कहना क्या चाहती हो? तीनों की तीनों धोखेबाजी करने में माहिर हो। मुझे तो शक है कि तुमने मेरे बेटों को अमीर बनकर फसाया तो नहीं है। माँ जी, कुछ भी धोखा हो सकता है, लेकिन हमारी शादी नहीं, आपके बेटे शादी करके लाए हैं हमें। नीतू देवी अपनी बहुओं के इन छोटे छोटे धोखों से बड़ा सबक लेती है और उनकी तहकीकात करवाती है और अपनी तीनों बहुओं के बैकग्राउंड के बारे में पता करती है। जहां उसको पता चलता है ये तीनों बहुएं वही लड़कियां हैं जिनकी शादी बचपन में उसके बेटों से हुई थी। इस बात का पता चलते ही नीतू अपने तीनों बेटों को बुलाकर उनके सामने राधिका को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम तीनों को शर्म नहीं आती मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? तुम तीनों रामा प्रसाद की बेटियां हो, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया और मेरे बेटों को अपने अमीरी के धोखे में फंसाकर इस घर की बहुएं बनी। धोखा? धोखे की बात आप कर रही हैं सासुमा? जिसने सबसे बड़ा धोखा किया? आप जैसी धोखेबाज को हम जैसे तीन धोखेबाज बहुएं ही मिलनी थी। आपके धोखे ने हमारा पूरा परिवार बर्बाद किया, तो हमने भी आपको धोखा देकर इस घर में कदम रखा। पता भी है आपको, आपके उस दिन के फोन के बाद मेरे पिताजी ने जैसे ही ये खबर सुनी कि हम तीनों का रिश्ता टूट गया है, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ले ली। आशा द्वारा नीतू का फैसला बताए जाने के बाद रामा प्रसाद दुखी होकर अपने जीवन को त्याग देता है। ये देखकर उसकी तीनों बेटियां मीनाक्षी, राधिका और नव्या फूट फूट कर रोती है और आशा अपने पति की लाश के आगे बैठकर कहती है, नीतू बहन जी के धोखे ने तो हमें बर्बाद कर दिया, मेरी बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, अब कैसे होगी तुम्हारी शादी, कौन करेगा तुमसे शादी? माना कि मेरी शादी बचपन में हुई थी, लेकिन हमारे सभी रिश्तेदारों की नजरों में तुम भी हाता हो, अब क्या होगा? माँ आप रो मत, मैं आपकी कसम खाकर बोलती हूँ, मैं और मेरी बहनें बहुएं तो उसी घर की बनेंगी, फिर चाहे हमें उस घर में बहू बनने के लिए धोखा ही क्यों ना करना पड़े। बस उसी दिन से हमने सोचा था कि आपके बेटों को हम अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेंगे और आपके घर की बहू बने, लेकिन सच्चाई बताने पर ये खुद ही हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। माँ आपने इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसके चलते इनको अपने पिता को खोना पड़ा, इसलिए आप इनके धोखे को धोखा नहीं कह सकती। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी, तुम्हारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश की भी कद्र नहीं करी। मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारे धोखे ने मेरी आंखें खोल दी कि अगर बीज बोएंगे बेर के तो आम नहीं मिलेंगे। नीतू देवी को धोखे के बदले धोखा मिला, जिसके बाद उसे समझ आया कि हम जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे, इसीलिए दोस्तों किसी के साथ धोखा करने से पहले सोच लेना कि आपके साथ भी वैसा ही होगा, इसीलिए सच्चाई के साथ जीना सीखिए और धोखा मत दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।